कानपुर में एक बेटी अपने को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय में भी नहीं हो रही है। पीड़िता ने अपने पिता के अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए इसका आरोप उसने अपने चचेरे भाई और ताऊ पर लगाया है। इस संबंध में उसने थाने में लिखित तहरीर भी दी है, लेकिन सुनवाई नहीं होती देख एसएसपी कार्यालय में भी उसने फरियाद की है। जब इस संबंध में हमारी टीम ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे पर कुछ नहीं बोले। मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता और उसका परिवार रहता है। मेरे पापा हैं, सूरपाल सचान नाम है, उम्र है 62 साल। मामला ये है कि 9 तारीख को ये मेरा ताऊ जी का लड़का आया, विक्रांत सचान है, तो मैं मिली नहीं, मैं गई थी हॉस्पिटल। फिर अगले दिन आया, 11 बजे के लगभग आया कि मेरे भैया दूज के लिए आया था कि मैंने रोचना कर दो है, तो मैंने रोचना किया। फिर पापा से मेरे जिद करने लगा कि चाचा चलो तुम्हें गांव हुआ लाते हैं, बहुत दिनों से गए नहीं हो और 2-3 साल हो गए नहीं हो, वहां पर जाओगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा है। तो कम से कम इसने 40-50 बार जिद किया उनसे, वो लास्ट तक मना करते रहे कि नहीं नहीं जाएंगे, हम बीमार रहते हैं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये है वो। तो फिर भी मतलब जबरदस्ती ले गया यहाँ से है, तो वहां पर गए। फिर मेरी वहां पर बमथरा ले जा रहे थे, गांव गए थे 10 तारीख को, वहां ले गए थे, बमथरा ले जा रहे थे, तो वहां पर मेरी बात हुई। कम से कम 15 दिन वहां पर रखा है, वहां जब तक बमथरा रहे हैं तब तक मेरी बात हुई है उनसे, और फिर मेरी 25 तारीख को लास्ट बात हुई है। संवाददाता मधुर मोहन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मधुर, बेटी की कोई गुहार नहीं सुन रहा है, उसने पुलिस से लेकर एसएसपी कार्यालय में भी गुहार लगाई है, आखिर क्या मामला है? आप बता दें, बर्रा थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। यहाँ पे पीटी सचान जो पीड़िता बेटी है, उसने अपने पापा की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है परिवार के अपने ताऊ जी के ऊपर, बेटे के ऊपर, ताऊ जी के जो दामाद उनके ऊपर की जायदाद के चक्कर में मेरे पापा जी का अपहरण किया गया, उनकी हत्या कर दी गई है, इसका मुकदमा इन्होंने भी लिखवाया बर्रा थाने में। लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया मामला क्या है, क्योंकि मामला पूरा लखनऊ से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात इसमें कर रही है और उससे उच्च कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी जी मधुर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।